What's going on guys, assalamu alaikum, back at it with another video. I hope all of you are doing great. Yaar, aaj jo cheez hum basically cover kar rahe hain, jis cheez ka main review kar raha hu, it's a very functional item at least for me. Aur iski utility kaafi high hai. What I mean by that is ke ye aapke day to day life mein, at least meri zindagi mein, ye bahut kaam aane wali cheez hai, which is why I purchased it. Bahut saari cheeze aisi hoti hain, aap le lete hain, aap usse paise kharch kar dete hain, but आप सिर्फ उसको इम्पल्सिवली ले लेते हैं कि यार आपका दिल चाह रहा है तो उठा ली, और उस चीज का अमूमन आपकी जिंदगी में ऐसा यूज होता नहीं है. नाइकी के जूते प्राइम एग्जांपल है भाई इस चीज के, लेने का तो बहुत दिल चाहता है, पहनने का दिल नहीं चाहता. बट उसको ना पहनने की वजह यही है कि यार सच्ची बात है, दिल नहीं चाहता कि वो जूते गंदे हो या कहीं से मुड़े थोड़े या कहीं से उस पर क्रीजेस पड़े. खैर नेवरदीलेस, तो भाई ये जो मैं आइटम कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में, मुझे पर्सनली आई थिंक ये लगता है कि मेरी डे टू डे लाइफ में बहुत यूजफुल आइटम है. और उसकी वजह ये है कि अगर तो आपकी जिंदगी में बहुत सारे कार्ड्स हैं, व्हाट आई मीन बाय कार्ड्स इज कि आपका CNIC, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका गाड़ी का कार्ड, आपके जहाँ पर रहते हैं उसका कार्ड, उसके अलावा आपके डेबिट कार्ड्स फलाना टिमकाना, जो कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे होते हैं. तो अगर तो आपकी ज़िंदगी में कार्ड इस तरीके से बिखरे हुए हैं जैसे कि आपकी ज़िंदगी की जिम्मेदारियाँ बिखरी हुई हैं, तो भाई यू डेफिनेटली नीड दिस प्रोडक्ट. प्रोडक्ट है क्या यार, बेसिकली इट्स अ कार्ड होल्डर. एंड व्हाट आई मीन बाय दैट इज के एक वॉलेट टाइप है, इट्स नॉट एग्जैक्टली अ वॉलेट. इसमें पैसे नहीं रखते, आप रख सकते हैं पैसे अगर आपको रखना हो, थोड़े बहुत 10-20 के नोट आप फोल्ड कर करा के रखते हैं, बट बेसिकली ये बना है कार्ड्स को होल्ड करने के लिए. बहुत सारे लोगों के लिए ओवरकिल होगा, बहुत सारे लोगों के लिए एक यूजलेस एक्सपेंडिचर होगा, बहुत सारे लोगों के लिए लग्जरी आइटम होगा. चूंकि ये विक्टोरिनॉक्स का है विच इज़ ए प्रीमियम ब्रांड, तो ये है भी थोड़ा ठीक ठाक महंगा, बट देन अगेन इट्स अ हाई यूटिलिटी आइटम. जिन लोगों को कार्ड्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने होते हैं तो उन लोगों के लिए दिस इज़ अ वेरी सूटेबल आइटम. तो भाई ये रहा इसका डब्बा, इट्स अ वेरी सिंपल बॉक्स, विक्टोरिनॉक्स ऊपर लिखा हुआ है, उनका क्रॉस वाला लोगो बना हुआ है, वाइट रंग का डब्बा है. यहाँ से स्लाइड हो गए, अंदर वाला पार्ट निकलता है, पीछे ऐसा कुछ खास नहीं लिखा हुआ, इस साइड से भी निकलता है. अंदर ये वाला पार्ट आ गया आपका, इस पर भी विक्टोरिनॉक्स लिखा हुआ है, ब्लैक रंग का है ये, इसके पीछे कोई सीरियल का टैग लगा हुआ है, उसके अलावा ये डब्बा ऐसे खुल जाता है. और भाई मैं बता दूँ, इन्होंने आधे पैसे जो लिए ना वो सिर्फ पैकिंग के लिए है. अंदर प्रोडक्ट इतनी सी है, सिर्फ और सिर्फ पैसे पैकिंग के लिए हैं बॉयज़ ने. वो 4 पीस पड़ते थे ना मार्केटिंग में कॉटलर वाले, प्राइस प्रोडक्ट प्रमोशन प्लेस, तो पैकेजिंग भी डाल दो भाई उसमें. ये बॉयज़ इन लोगों के लिए जो है ना पैकेजिंग आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसको खोल लेते हैं, इसका डब्बा इस तरीके से खुलेगा, और भाई अंदर ये रहा हमारा माल मसाला. तो दिस इज़ अ कार्ड होल्डर, ऊपर विक्टोरिनॉक्स का लोगो लगा हुआ है, लिखा हुआ भी विक्टोरिनॉक्स, डब्बा आप साइड में करो, और ये रहा आपका कार्ड होल्डर. यहाँ पे अगेन विक्टोरिनॉक्स की एक मेटल प्लेट लगी हुई है छोटी सी, उस पर उसका लोगो बना हुआ है, नाम नहीं लिखा हुआ. पीछे जो है यहाँ पे विक्टोरिनॉक्स का लोगो और नाम डिबोज हुआ हुआ है. यहाँ पे इसकी स्टिचिंग चल रही है, और द मटेरियल इज वेरी गुड, फील्स वेरी गुड, फील्स वेरी प्रीमियम. इसके अलावा भाई इसमें ऊपर भी आप देख सकते हैं स्टिचिंग चल रही है, और इसमें 3 सेक्शन है बेसिकली जिसमें आप अपने कार्ड्स रख सकते हैं. तो इसके सैंपल कार्ड निकाल लेते हैं, एक सेक्शन में काफी ज्यादा गुंजाइश है कार्ड्स रखने की. और भाई इसका फायदा ये है कि सारे कार्ड्स आपके पास जो भी हैं वो अगर इधर उधर बिखरे हैं, अगर आपको रखने में प्रॉब्लम होती है तो भाई आप ये एक ले लें, और इससे बड़ा काम आने वाला है, बिकॉज आप सारे कार्ड्स जो है इसमें रख सकते हैं, और ये आराम से आपकी जीन्स की या किसी भी चीज़ की पॉकेट में फिट जाएगा, बिकॉज इट्स वेरी कॉम्पैक्ट. अब दूसरा सवाल यहाँ पे ये उठ सकता है कि भाई आप कार्ड्स वॉलेट में क्यों नहीं रख लेते हैं. अच्छा भाई, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मैं कार्ड्स जो हूँ वॉलेट से निकाल के रखता हूँ, और उसकी वजह ये है बिकॉज खुदा ना खास्ता कभी वॉलेट गया उस सिचुएशन में, या खुदा ना खास्ता कभी आपका वॉलेट गिर जाए, या इफ़ यू लूज़ इट एनी हाउ, तो आपके एटलीस्ट कार्ड सेफ रहते हैं, बिकॉज यहाँ पे CNIC लाइसेंस और ये सारी चीज़ें वापस बनवाने के लिए बहुत ज़्यादा हौली करनी पड़ती है. वॉलेट में आप पैसे रख लें चुपचाप, कार्ड्स आप कहीं और रखें. बट देन अगेन भाई ये वही बात है, ये मेरा ओपिनियन है, अगर किसी को वॉलेट में कार्ड्स रखना सही लगते हैं तो प्लीज़ बाय ऑल मीन्स गो अहेड. मैं ये समझता हूँ कार्ड्स आपको अलग से रखने चाहिए इस सिचुएशन में, ये चीज़ जो है कि कार्ड होल्डर ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है. मैंने ये नाइट सुपर मार्केट से लिया था, नाइट सुपर मार्केट पर विक्टोरिनॉक्स का बहुत सारा सामान रखा हुआ है, बैग्स, पाउचेस, स्विस आर्मी नाइफ, कार्ड होल्डर्स, वॉलेट्स भी हैं. डू गो एंड चेक दम आउट, प्राइसेस प्रीमियम है, बट देन अगेन विक्टोरिनॉक्स इज नॉट ए बजट और चीप ब्रांड, प्रीमियम ब्रांड है, तो प्राइसेस आपको हाई मिलेंगे. तो भाई ये हो गई आज की वीडियो, आई होप यू गाइस लाइक्ड इट, इफ यू डिड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो. भाई ये चीजें गिवन है यार, मतलब ये बनती है, अब तो प्लीज यार थोड़ा समझें आप लोग. तो खैर, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़.